स्टूडेंट वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 10 के बच्चों का हिंदी का ये पेपर आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है हिंदी 2022 का पेपर 801 डबल ए कोड का पेपर है और इसका फुल सलूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं तो ये पेपर जरूर लगा कर जाइएगा, क्योंकि इसी में से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिलेगा 2023 का। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग कैसे कॉपी लिखेंगे ताकि एक भी नंबर नहीं कटेगा, 70 में 70 भी ला सकते हैं, जिस तरीके से मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ए टू जेड क्वेश्चन का सोल्यूशन इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट की मैं यहाँ पर तैयारी कराऊंगा और साथ में आपको फुल पेपर का सलूशन भी पीडीएफ भी दूंगा, ठीक है। चलिए यहां पे सबसे फर्स्ट नंबर की बात करूं तो 2022 का पेपर का सलूशन यहां पे स्टार्ट करेंगे, वो भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर की मैं बात करूं, समय 3 घंटे 15 मिनट, सेम जैसे आपका आता है वैसे ही रहेगा और पूर्णांक जो है आपका 70 नंबर का रहेगा, ठीक है बाबू। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि प्रारंभ की 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। इसके ठीक नीचे आपको यहाँ पे पहला प्रश्न देखने को मिलेगा, पहला का क कैसे कॉपी में इसका आंसर भी लिखना है, ये भी चीज़ें आज की इस वीडियो में क्लियर करते चलेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर, सबसे पहले जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको इंग्लिश का भी सलूशन लाएंगे, मैथ का भी, बायो, मतलब जितने भी चीज़ें हैं ना आपके सब्जेक्ट में सबका सलूशन लाएंगे ऐसे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहला का क, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान करके लिखिए, और एक नंबर का ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा। एक नंबर, मैला आंचल राहुल संस्कृतायन की काव्य कृति है। देखिए मैला आंचल जो है ना ये राहुल संस्कृतायन जी की काव्य कृति नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। चलिए दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, लिखा है कि मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है, ये जो है सही जा रहा है। यानी कि देखिए मुंशी प्रेमचंद्र ने यह उपन्यास लिखा है, कौन सा, गोदान, ये जो दूसरा ऑप्शन है सही हो गया। अब चलिए इसमें से एक ही चुनना था जो सही था। तीसरा, गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय की रचना, ये गलत है। और चौथा जो है सुमित्रा नंदन पंत प्रसिद्ध उपन्यासकार, ये भी गलत। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो दूसरा ऑप्शन सही है, पहला का क का दूसरा सही है। कैसे कॉपी में लिखेंगे चलिए ध्यान से देखिए, आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी लेना है, जैसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी पे लिखेंगे आपको मार्जिन लाइन खींचना है, मार्जिन लाइन ये दिख रहा है ना, मार्जिन लाइन जो इसको स्केल से खींचते हैं स्केल से खींच लेना है और ज़्यादा दूरी पर नहीं खींचना है, ठीक है। नहीं तो बोर्ड एग्जामिनर जो है समझ जाएगा कि बच्चा कॉपी को भरने के चक्कर में ज़्यादा दूरी बनाया है। और एक चीज़, यहाँ पे आपको इस साइड में लाइन नहीं खींचना है, बहुत सारे बच्चे इधर से भी खींच देते हैं डबल लाइन, तो ऐसी गलती नहीं करना है, आपको एक बाईं तरफ खींचना है। और एक चीज़ मैं इसमें बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम की लास्ट में आपको आर एन पेज पर लिखना है, क्यों लिखना है ये भी चीज़ें सिखाएंगे, तो समझिए। चलिए पहले नंबर प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या पहला इस तरीके से डालेंगे और नीचे से अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। अंडरलाइन करने से थोड़ा कॉपी जो है आकर्षक दिखती है, सुंदर दिखती है, सभी बच्चों से अलग होती है और नंबर भी कोई भी कमी नहीं होगा मिलने में। चलिए फर्स्ट नंबर का पहला का क लिखा है उत्तर, दूसरा ऑप्शन सही था ना, तो दूसरा ऐसे लिख लेंगे, और मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। इसी तरीके से वही जो है पेपरवा वाला, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये दूसरा ऑप्शन है, इसी को वहाँ जाकर के उतार देना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको मैं समझा रहा हूं, ध्यान समझते चलिए, इस तरीके से कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है पहला का ख, ध्यान समझिएगा कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। देखिए चार कृतियां दिया गया है यहां पे, इसमें से किसी एक ही को सॉल्व करना है, तीन को छोड़ना है, जैसे प्रतिशोध है, प्रतिशोध, भूले बिसरे चित्र, आवारा मसीहा, ठूंठा आम, तो किसी एक को जो आपको याद होगा ना वही करना है, एक नंबर मिलेगा। चलिए पहला बता देता हूं प्रतिशोध, कैसे कॉपी में लिखेंगे इसका उत्तर ये भी चीजें समझिए। देखिए पहला का ख कर रहे हैं, पहला नंबर कर रहे हैं प्रतिशोध, तो इसको कौन लिखा है, तो मैथिली शरण गुप्त जी की है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही सेम लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ग नंबर पहला का ग, लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित है, तो ये देखिए पहला एक नंबर का ये क्वेश्चन है, ग नंबर, लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित है, तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करना है, पहला का ग देखिए नाटक विधा पर, किस पर, नाटक विधा, एक ही का आंसर देना है, एक ही बस पूछा है, ठीक है।
इसके बाद पहला का घ देखेंगे, क्वेश्चन नंबर पहला का घ यहाँ पे लिखा है कि जय पराजय रचना के लेखक कौन है, जय पराजय जो है इसके रचना के लेखक कौन है, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है यहाँ पे कि उपेंद्र, पहला देखिए पहला का घ है ना, पहला का घ लिख लेंगे उपेंद्र नाथ अस्क ने लिखा है, उपेंद्र नाथ अस्क ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास अंग नंबर, राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा पर आधारित है, तो यहाँ पे देखिए नाटक से रिलेटेड है तो यहाँ पे नाटक लिख लेंगे, सॉरी कहानी, पहला का अंग कहानी से रिलेटेड है ना तो कहानी लिख लेंगे, इसी तरीके से करना होता है। चलिए पहला का आल क्वेश्चंस खत्म हो गए, दूसरा देखिएगा, दूसरा का क लिखा है कि रीति काल के प्रमुख दो कवियों के नाम लिखकर उनकी एक एक रचना का नाम भी लिखिए, दो नंबर का पेपर में आता है कि रीति काल के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए और साथ में एक एक रचना भी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्नोत्तर संख्या लिखा गया है कैसे, अब यहाँ से प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा स्टार्ट हो रहा है, दो ऐसे लिख लेंगे, दूसरा का क कर रहे हैं तो देखिए लाल बिहारी सॉरी बिहारी लाल इनकी रचना कौन सी है, बिहारी सतसई है, ऐसे ही रचना एक एक लिखना है। दूसरा है भूषण, भूषण जी का रचना कौन सी है, शिवराज भूषण, इस तरीके से आपको दो दो देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें अगला क्वेश्चन आपका दूसरा का प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का यहाँ पे ख नंबर, छयवादी युग की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, ये भी दो नंबर का क्वेश्चन है, छयवादी की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है, यहाँ पे कॉपी पे लिखा गया है दूसरा का ख का, पहला है प्रकृति का मानवीकरण, पहला लिखेंगे प्रकृति का जो है ये मानवीकरण हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कल्पना की प्रधानता, इस तरीके से दोनों को अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन चलेंगे, ध्यान समझिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है दूसरा का यहाँ पे ग लिखा है, खुशबू के शिलालेख, यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ है ना, खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है, खुशबू के शिलालेख, तो यहाँ पे इसका आंसर देखिए दिया गया है, दूसरा का ग लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र जी का, ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर दे देंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है तीसरा नंबर, तीसरा नंबर पेपर पे आ चुके हैं, क्या लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, गद्यांश आएगा पेपर में आपको बोर्ड एग्जाम में तीन नंबर क्वेश्चन पे मिलेगा और ये छह नंबर का गद्यांश रहता है ना, तो ध्यान समझिएगा यहाँ पे क नंबर लिखा है, एक और गद्यांश मिलेगा ख क ख, किसी एक को करना है, जो भी आपको दोनों में से आएगा उसको करिए, एक को छोड़ना है, जैसे ऊंच और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना ही तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ, यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा। देखिए जैसे इस गद्यांश को आपने पढ़ा आपको मालूम चला गया कि किस पाठ से है मित्रता, तो देखिए इसको अगर मान लीजिए कि दो गद्यांश दिया है क और एक नीचे दिया है ख, इसमें देखिए कितने क्वेश्चंस हैं, एक दो तीन क्वेश्चन करना है इस गद्यांश से और एक और नीचे दिया जाएगा, देखिए यहाँ पे ख नंबर जो भी आपको आएगा वो कर लेना है, ठीक है। तो ये देखिए ख नंबर, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथ में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति के समूह के गिराने में होता रहा, इसके इसी तरीके से इसको पढ़ेंगे, जैसे आपने इसको पढ़ा है आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर से ये गद्यांश दिया गया है और इस चैप्टर को किसने लिखा है। तो चलिए देखिए मान लीजिए कितने बच्चे कहते हैं सर हमको ख आ रहा है क नहीं आ रहा है, तो कैसे करेंगे, मान लीजिए ख ही आपको आ रहा है तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको पूरा पढ़ेंगे, जैसे ही पूरा पढ़ लेते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, टाइम थोड़ा सा दीजिएगा। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति के और समूह के गिराने में होता रहेगा, इसलिए हमें उस भावना को जागरूक रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को देखिए साधनों को हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसा और त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग वासना को दबाव में रखे। आगे देखिए नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती, वह नैतिक अंकुश का यह चेतना भावना ही दे सकती है। अब यहाँ पे लिखा वही शक्ति, यहाँ पे लिखा वही शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित कर सकती है। जैसे इसको पूरा पढ़ा है आपको मालूम चल जाएगा कि किस पाठ से इस गद्यांश को लिया गया, भारत भारती, भारत
भारती जो वाला चैप्टर है उसी चैप्टर से इस गद्यांश को लिया गया है। इसका राइटर कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, मोबाइल इधर उधर हुल रहा है, ठीक है, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए इसका कैसे प्रश्न पूछा गया इसमें देखिए ध्यान से। पहला नंबर, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यहाँ पे संदर्भ लिखना है। दूसरा, मैं रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तीसरा, विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है, ये पूछा गया है। चलिए संदर्भ कैसे लिखेंगे, सबसे फर्स्ट नंबर यहाँ पे देखिए, तीसरा नंबर कर रहे हैं ना, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको साफ दिखे, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 3 का ख, यही है ना। यहाँ पे देखिए, पहला संदर्भ हेडिंग डालेंगे, अंडरलाइन अच्छे से करके इसको अच्छे से लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे। देखिए संदर्भ में जो है हिंदी, ब्लैक पेन से हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृत नामक निबंध से उद्गृत है, ठीक है। इसका संदर्भ हो जाएगा कंप्लीट ऐसे। अब देखिए इसमें लिखा गया है, क्या लिखा गया है इसमें ध्यान समझिएगा, अंडरलाइन, ये आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, इतना को अंडरलाइन किया है। इसी को बोलते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए बोला है, तो इतने का भाव यहाँ पे बताएंगे। देखिए लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे, क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य अंश यानी गद्यांश में लेखक कह रहा है कि आज का युग विज्ञान का युग है, ठीक है ना। आज का जो युग है किसका युग है? विज्ञान का। विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में असीम शक्ति दी है और देता जा रहा है, इसी का यहाँ पे भाव बताना था। जितना अंडरलाइन किया है उसी अंडरलाइन का यहाँ पे भाव बताना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है इसमें 3 नंबर कि विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है, इसी का ध्यान से इसका आंसर है। देखिए विज्ञान का उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता रहा, यानी किया जा रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसका उत्तर, ध्यान समझिएगा क्या लिखा गया है, ध्यान समझिए कि विज्ञान, तीसरा नंबर, विज्ञान का उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में किया जा रहा है। इस तरीके से इसका आंसर लिख देंगे, आपका यहाँ पे 6 नंबर का काम ओके हो गया, ठीक है। आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आने ही वाला है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, ये पद्यांश से क्वेश्चन दिया जाएगा, 6 नंबर का रहेगा, पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए दिया है सबसे पहले नंबर, क्या लिखा है इसमें देखिए, क नंबर, मनुष्य हो तो वही रसकान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गवारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नींद, नंद की धेनु मरझान, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरयो कर छन पुरंत धारण, जो खग है हो तो बसेरो कौर करो, मिली कालिंदी कुद कबंद। तो जैसे इसको पढ़ डाला आपने तो आपको मालूम चल गया कि इसका क्या होगा संदर्भ। यहाँ पे 2 दिया है किसी एक को करना है, ठीक है, तो इसमें से ये भी कर सकते हैं क नंबर, इसमें से भी ये भी कर सकते हैं ख नंबर, दोनों में से कोई कर सकते हैं। चलिए इस पद्यांश का क नंबर बता देता हूँ, लेकिन दोनों काफ़ी इजी है, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 4 का क करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क का संदर्भ लिखेंगे हेडिंग बनाकर, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की काव्य खंड में संकलित सवाए शीर्षक से उद्धृत, जो कवि रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान से लिया गया है, ठीक है। इस तरीके से इस का संदर्भ लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है ना आपको, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो अब चलिए इसका यहाँ पे देखिए, पहले प्रसंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रस्तुत सवाए में रसखान कवि का श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति लगावट प्रकट हुआ है, यानी लगावट जो है वो प्रकट किया गया है। वे अगले जन्म से श्री कृष्ण का सन्निघट पाना चाहते हैं, यानी कि उसके समीप पाना चाहते हैं। वे कृष्ण की निकटता प्राप्त करने की तीव्र कामना व्यक्त करते हैं। तो ये हो जाएगा इस का प्रसंग, ठीक है। अब इसकी व्याख्या भी पूछा गया है ना कि इसकी व्याख्या कीजिए, हेडिंग बनाएंगे, व्याख्या लिखेंगे, श्री कृष्ण की अन्याय
भक्त अनन्य, अनन्य भक्त जो थे, यहाँ पे ध्यान समझिए, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कवि रसखान अपने इष्ट देव का समीज चाहते हैं, यानी कि क्या चाहते, सॉरी समीप चाहते हैं, उसी भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो ब्रज के गोकुल गांव में निवास करूं, यदि पशु, लिखा यदि मैं पशु, थोड़ा सा इधर लेकर चलना पड़ रहा है, ठीक है ना, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आपको, हाँ चलिए, पशु, यदि कह रहा है कि मैं पशु बनूं और मेरे बस की बात हो तो मैं नित्य प्रति, नित्य मतलब होता है रोज, प्रति सुबह नंद की गायों के बीच में निवास करूं, यदि मैं पत्थर ही बनूं तो उस पर्वत का पत्थर बनूं जिसे इंद्र द्वारा भयंकर वर्षा कराने पर श्री कृष्ण न छाता बनाकर अपने हाथ पर उठा लिया था, ठीक है, और यदि मैं पक्षी योनि में जन्म लूं तो पक्षी बनूं कि यमुना नदी के किनारे अन्य पक्षियों के साथ मिलकर किसी कदम के वृक्ष की डाल पर निवास किया करूं, ठीक है। तो यही है उसकी व्याख्या, जितने भी बच्चे इसको अच्छे से समझ लिए होंगे उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें लिखा गया है 5 नंबर कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का भी नाम लिखिए। ये 3 नंबर का पेपर में पूछा जाता है, पहला है, दूसरा है, 3, 3 ऑप्शंस हैं। इन तीनों ऑप्शंस में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है, जैसे जयशंकर प्रसाद जी का, राजेंद्र प्रसाद जी का, भगवत शरण उपाध्याय जी का। तो चलिए, इसमें से 2 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भगवत शरण उपाध्याय जी का मैं लिखकर यहाँ पर बता रहा हूँ, और 2 जो है ऊपर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि ऑलरेडी बना चुका हूँ उनका जीवन परिचय, तो देख लीजिएगा, और इसमें हम भगवत शरण उपाध्याय जी के जीवन परिचय को बताने वाले हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क, क का तीसरा बता रहे हैं, भगवत शरण उपाध्याय, ऐसे आपको टॉप में, टॉप का मतलब होता है सबसे ऊपर, ऐसे लिख लेंगे हेडिंग, और जीवन परिचय क्या लिखेंगे कि डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म बलिया जिले के उजियारी नामक ग्राम में सन 1910 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने प्राचीन, प्राचीन का मतलब होता है पुराने, ठीक है, उन्होंने प्राचीन इतिहास विषय में काशी विश्वविद्यालय से MA का मतलब होता है ना, MA किया। संग्रहालय में पुरातत्व विभाग में आप, मतलब आपकी, उन्हीं के बारे में आपकी विशेष रुचि थी, उनकी विशेष रुचि थी, आप प्रयाग और लखनऊ संग्रहालय से पुरातत्व विभाग में अध्ययन के पद पर बहुत दिनों तक काम कर चुके हैं। कुछ दिनों तक बिड़ला महाविद्यालय में अध्यापन का काम भी किया है, ठीक है ना, उन्होंने अध्यापन का भी काम किया, यानी पढ़ाने का काम किया है। अब देखिए, कुछ दिनों तक विक्रमा विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष पद पर भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि उन्होंने 100 से भी अधिक पुस्तक लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्धशाली बनाया। इनकी मृत्यु अगस्त में हुई थी, 1982 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो मृत्यु इनकी याद करके रखना है, और जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब देखिए रचना लिखना है, रचना हेडिंग बनाएंगे, अध्याप, देखिए उपाध्याय जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है, विश्व साहित्य की रूपरेखा, इसके बाद साहित्य और कला, इसके बाद खून के छींटे, इतिहास के पन्नों पर, इसके बाद कलकत्ता से पिकिंग, इसके बाद ठूठा आम, सागर की लहरों पर, मंदिर और भवन आदि, इन ये सभी उनकी ही क्या है, रचना है, उनके द्वारा रचित रचना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बताया जाएगा क्वेश्चंस की किस तरीके से पेपर में आते हैं, तो आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। मैंने टोटल आपको 5 का क तक सोल्यूशन इस वीडियो में बनाया है, और 5 के ख जो है आपको दिखाते हैं पेपर कैसा है। 5 का ख ये है, निम्नलिखित कवियों में से किसी कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखिए। ये कवि हैं, 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में, तुलसीदास, महादेव वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो किसी एक कवि के जीवन परिचय को लिखना है और साथ में उनकी रचना लिखना है, लिख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसमें से जानते हैं कौन है, देखिए इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट है महादेव वर्मा, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, इसको मैं बता रहा हूँ, बस अगले वीडियो में इसका पूर्ण सोल्यूशन दूंगा।
छः नंबर देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपका संस्कृत का यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और इसको हिंदी में अनुवाद करना है, संदर्भ लिखना है, इसका हिंदी अनुवाद करना है। अथवा में भी दिया है, इसमें जो भी आपको आयोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सात नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, क नंबर, अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। दो नंबर का प्रश्न आता है, देखिए श्लोक लिखने के लिए पूछेगा, श्लोक, ठीक है, जो पेपर में ना आया हो श्लोक उसको लिखिएगा दो लाइन का, ठीक है। आगे चार लाइन का रहा है कि दो लाइन, इसमें उल्लेख नहीं किया है चार लाइन की दो लाइन, ये दो लाइन को होता है। आप चलिए ख नंबर सात का, ख, निम्नलिखित प्रश्नों में से कि नहीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए संस्कृत में। यहाँ पे पहला है, चंद्रशेखर स्वन नाम किस कथ्यस्थ, यहाँ पे कुत्र मतरम मंगल भवत, तो किसी दो प्रश्नों के उत्तर देना है वो भी संस्कृत में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आठ नंबर, क्या लिखा गया है, आठ का क, करूड़ अथवा हास्य रस का परिभाषा उदाहरण से दीजिए। दो नंबर का आता है, रूपक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा भी देना है, साथ में एग्जाम्पल। ग नंबर, रोला अथवा सोठा का, इसमें भी दो नंबर, मतलब इसी तरीके से ये फिक्स क्वेश्चन है, ये जो दिख रहा है ना आपका छः नंबर फिक्स क्वेश्चन है, ये कक्षा बारह में भी ये आता है और कक्षा दस में भी, ये फिक्स क्वेश्चन तैयार करके रखिए। अगला क्वेश्चन है नौ नंबर, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा गया है क्वेश्चन, कि निम्नलिखित उपसर्गों में से कि नहीं तीन का मेल एक एक शब्द लिखिए। उपसर्ग होता है एक प्रत्यय होता है, तो उपसर्ग क्या होता है, देखिए उपसर्ग को मैं समझा रहा हूँ, ध्यान समझिए, एक समझ लिए तो पूरा हल कर लेंगे। उपसर्ग का मतलब देखिए, जिसे अन दिया है ना, तो अन शब्द दिया है दो, इसमें एक ऐसा और शब्द जोड़ देना है जिससे कि एक नया शब्द तैयार हो जाए और उसका अर्थ निकल जाए, ठीक है। तो देखिए, जिसे पहला का अन लिखा है, अन में क्या जोड़ देंगे, अन हो गया, आप प आढ़ जोड़ देंगे, इसमें पढ़, तो क्या हो गया, अनपढ़ हो गया ना, तो ये कहलाता है आपका क्या, तो उपसर्ग कहलाता है, जिसमें अन पहले से दिया है आप पढ़ आपने जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, अनपढ़, इसका एक शब्द बन गया, इसका अर्थ भी निकल गया, अनपढ़ मतलब होता है जो लोग पढ़े लिखे ना हो। इसके बाद देखिए दूसरा दिया है, इसमें अनु, अनु लिखा है ना, तो अनु लिख लिए, इसमें अब आपको कोई नया शब्द जोड़िए, अनु करण कर देंगे, अनुकरण हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना है, और यहाँ पे कितने, तीन को ही बताना है बस। अभी लिखा है ना, अभिमन्यु लिख देंगे, अभिमन्यु, ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे, ये होता है आपका उपसर्ग। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें ख नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों के उपयोग करके लिखिए एक एक शब्द बनाइए। दो नंबर का प्रत्यय क्या होता है समझिए, जैसे यहाँ पे पहला तो लिखा है, कोई ऐसा शब्द जोड़िए जिसमें ये लास्ट में आकर मिल जाए त्व, जिससे महत्व, मह त्व, इसमें मह पहले जोड़े हैं तो ये मह पहले जो आया है ये प्रत्यय कहलाएगा, और त्व लास्ट में जो दिया है उसको जोड़कर बनाकर एक नया शब्द का निर्माण कर देंगे, ठीक है। इसमें दो करना है, जैसे त्व दिया है तो महत्व हो जाएगा, दूसरा वा दिया है तो क्या हो जाएगा, मतलब कि मिलावट, इसमें वा आना चाहिए, इससे वा आने के लिए क्या करेंगे, देखिए सोच रहे हैं, आप लोग भी सोचकर बता सकते हैं, लास्ट में वा आना चाहिए, जिसे यहाँ पे दिया है तीसरा वट लिखावट, यहाँ पे फोर नंबर आई मिठाई, फाइव नंबर दिया है पन बचपन, इस तरीके से बना लेंगे आप लोग, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है ग नंबर, निम्नलिखित में से कि नहीं दो के समास विग्रह करना है, दोपहर का और यहाँ पे चौराहा का, यहाँ पे त्रिकोण का, यहाँ पे देश विदेश का, इस तरीके से समास विग्रह याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे घ नंबर के नहीं दो प्रश्नों के तत्सम रूप बताना है, कुआं का, छाया का, पाहन का, सिंगार का, लौह का, ठीक है, इसी तरीके से पेपर आता है, ठीक है। अंग नंबर, निम्नलिखित में से कि नहीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची बताना है, कमल का, क्रोध का, दीन का, नदी का, पक्षी का, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन हैं, आप लोग देख लीजिए, इस तरीके का आएगा। यहाँ पे दस का कल लिखा, निम्नलिखित में से कि नहीं दो संधि विच्छेद कीजिए, संधि का नाम, ठीक है, मनु अंतर, तो इसका संधि करके और इस कौन सा संधि है ये बताना है, इसी तरीके से पेपर में आएगा। आदि लिखा है आदि धन अंत, इति धन उत्व, इस तरीके से पेपर में दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के पंचमी विभक्ति द्विवचन लिखना है, इसमें से मति का लिखिए या नदी का लिखिए, इसी तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कि नहीं दो के धातु लकार पुरुष तथा वचन लिखना है, ठीक है। यहाँ पे अह सा साओ, यहाँ पे पष्ठयामि, तो किसी एक को करना है इसमें से। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, लिखा है कि निम्नलिखित में से कि नहीं दो वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। लिखा है, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, दूसरा विनय मनुष्य का आभूषण है, इसमें से किसी दो का संस्कृत में उत्तर देना है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे 11 नंबर, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। निबंध लिखने के लिए 6 नंबर मिलेगा। देखिए पहला है जीवन में अनुशासन का महत्व, जीवन में अनुशासन का क्या महत्व होता है, और इसके बाद दूसरा है वृक्षारोपण क्या है, इसके बाद प्रदूषण की समस्याएं एवं समाधान, इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है कि राष्ट्र प्रेम की भावना, इसमें से इम्पोर्टेंट निबंध आपका है तीसरा, ठीक है, यानी कि इसको याद करके रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। 3 नंबर का आता है और ये क्वेश्चन आपके जिले वाइज आता है, किस जिले से हैं आप कमेंट कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन। तो इसका अगर फुल सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।